चलिए यहाँ पर देखिएगा जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स है, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन का है जीरो है, यानी यहाँ पर जो डॉट पॉइंट है जीरो है, क्या है जीरो, क्योंकि जीरो पर दो दो फंक्शन आ रहा है, इस जीरो पर जीरो से यदि बड़ा लेते हैं तो ये फंक्शन आता है, जीरो से छोटा लेते हैं क्या होता है ये फंक्शन होता है। अब इसके कंटिन्यूटी पर विचार करना है, तो कंटिन्यूटी पर विचार करना है तो ये सभी पॉइंट पर अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जहां पर डाउट है वहां पर हमें चेक करना होगा कि इस पर कंटिन्यूअस है या क्या है डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है ना, यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया रहेगा दो तीन चार करके रहेगा तो हमें संदेह केवल कहां जाएगा डॉट पॉइंट पर ही जाएगा, चेक हमें केवल कहां करना है डॉट पॉइंट पर ही करना है। समझ में आ रहा है, तो चलिए यहां पर डॉट पॉइंट क्या है पहले ये लिखिएगा, डॉट पॉइंट जो है एक्स इक्वल टू क्या है जीरो है, हमें जीरो पर चेक करना है। तो चेक करने के लिए बताया थे पहले एलएचएल निकालेगा, क्या निकालेगा एलएचएल, तो एलएचएल में क्या होगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस और एफ एस करके लिखाएगा, ये लिखाएगा ना। अब यहां पर क्या रखिए देखिए लिमिट एक्स टेन टू जीरो माइनस एफ एस पर कौन सा फंक्शन रखा गया बता सकते हैं, नीचे रखा है क्योंकि नीचे कह रहा है एक्स का मान जीरो से छोटा है, नीचे कह रहा है एक्स का मान जीरो से क्या है छोटा है, तो नीचे वाला रखाएगा तो नीचे वाला क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है, केवल ऊपर है नीचे तो है ना, तो डायरेक्ट एक्स के जगह पर क्या रखा देगा जीरो, एक जगह पर क्या रखाएगा जीरो, तो जीरो का होल स्क्वायर बराबर क्या गया जीरो, तो एल एच एल का मान क्या निकल गया जीरो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना है इसी में आर एच एल, क्या निकालना है आर एच एल, तो आर एच एल में भी लिखिएगा लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस और एफ एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स, फिर यहां पर क्या हुआ लिमिट एक्स टेन टू जीरो प्लस और एफ एक्स पर क्या रखा गया बताइएगा, ये राइट वाला रखा गया, क्या रखा गया राइट वाला, क्योंकि एक्स टेन टू जीरो प्लस लेने का मतलब क्या है कि एक्स का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, और एक्स का मान जीरो से बड़ा किधर होगा ऊपर वाला में है कह रहा है, तो ऊपर वाला में क्या आएगा एक्स रखाएगा, एफ एक्स पर क्या रखा जाएगा एक्स, जब एक्स रखिएगा ये भी देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा है ना, तो डायरेक्ट एक्स के जगह पर क्या रखाएगा जीरो, तो आर एच एल भी क्या निकल गया जीरो हो जाएगा। इतना तक समझ में आ रहा होगा एल एच एल आर एच एल बराबर है, तो अब तीसरा हमें निकालना है एफ जीरो, तीसरा क्या निकालना है एफ जीरो, एफ जीरो में कौन सा रखाएगा फंक्शन ऊपर वाला के नीचे वाला, ऊपर वाला क्योंकि इक्वल टू ऊपर वाला में ही ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ऊपर वाला रखिएगा तो क्या होगा एक्स यानी जीरो, एफ जीरो बराबर एक्स होगा ना, तो एक्स जगह पर क्या रखाएगा जीरो, क्यों होगा क्योंकि सिन जानते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है एक्स, एफ एक्स बराबर क्या है एक्स, ये रखाएगा यही है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स बराबर एक्स है, तो ये वाला फंक्शन रखाएगा, क्यों रखाएगा क्योंकि जीरो से बराबर जीरो के बराबर इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर तीनों बराबर हो गया, यहां पर तीनों क्या हो गया बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्या हो गया एफ जीरो हो गया, एल एच एल आर एच एल और क्या हो गया एफ जीरो, तीनों यहां पर बराबर हो गया, और जब तीनों बराबर हो गया तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा है ना, यानी अतः आप क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, जब एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है ये सभी पॉइंट पर क्या होगा कंटिन्यूअस ही होगा, क्योंकि हमें डॉट किस पर हो रहा था जीरो पर हो रहा था, जीरो पर भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, बाकी पर तो कंटिन्यूअस रहेगा ही, तो ऑल पॉइंट पर यह क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ग्राफ मेथड से समझना है, किसे समझना है आपका ग्राफ से, तो ग्राफ से कैसे समझेगा वो देखिएगा, समझ रहे, तो ग्राफ से समझने के लिए पहले टेबल बनाने के लिए आना चाहिए तब समझ में आएगा, अब बिना टेबल का भी बनाएंगे डायरेक्ट तो आधा समझिएगा आधा दिक्कत होगा। तो देखिए टेबल बनाने में क्या होगा, गप कीजिएगा डंटा लग जाएगा कस के, बताते पहले ही पढ़ना तो शान से रहना है। पहला फंक्शन दो फंक्शन है, इसको एफ एक्स को यदि बाई मानते तो एक होगा बाई बराबर एक्स होगा और एक होगा बाई बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, एक्स कब होगा जब एक्स का मान जीरो से क्या रहेगा बड़ा रहेगा तब ये या जीरो भी रहेगा तब है ना, और एक्स स्क्वायर कब होगा जब एक्स का मान जीरो से क्या रहेगा छोटा रहेगा तब, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते ना, देखिए एक बाई बराबर एक्स होगा कब जब एक्स का मान जीरो से बड़ा या बराबर,
और एक बाई और एक स्क्वायर होगा कब, जब एक्स का मान जीरो से क्या रहेगा छोटा रहेगा तब, और इसमें एक्स का मान रखना, इसमें क्या लेना है एक्स का मान रखना है। आप देखिए यार, जब हम एक्स का मान जीरो लेंगे, क्या लेंगे जीरो, तो बाई का मान क्या होगा ऊपर लम रखेगा ना, तो जीरो ही होगा ना, एक्स का मान जीरो तो बाई का मान भी क्या रखेगा जीरो ही होगा। जब एक्स का मान वन लीजिएगा तो बाई का मान कौन सा, ऊपर लम नीचे वाला में ऊपर वाला, तो वन का वन ही तो वन हो गया। जब एक्स बराबर टू लीजिएगा तो बाई का मान क्या होगा ऊपर वाला में, तो टू का क्या होगा टू ही होगा। जब एक्स का मान थ्री तो बाई का मान भी क्या होगा थ्री होगा, बाई का मान भी क्या होगा थ्री होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, जब एक्स का मान माइनस वन लीजिएगा, क्या लीजिएगा माइनस वन, तो बाई का मान क्या होगा नीचे वाला आएगा, एक्स लेस देन जीरो इसमें जरा है तो माइनस वन का स्क्वायरिंग प्लस वन। जब एक्स का मान माइनस टू लेंगे तो बाई का मान कितना होगा दो दूनी चार, चार प्लस फोर। एक्स का मान माइनस थ्री लीजिएगा तो बाई का मान क्या होगा नीचे लम रहेगा ना, तो तीन चार कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा। एक्स का मान माइनस चार तो बाई का मान क्या होगा सोलह हो गया, क्या हो जाएगा सोलह हो गया। अब इसका ग्राफ खींचना है तो इस तरह से चलेगा, देखिए आप क्या कीजिएगा पॉइंट इसको रखिएगा। देखिए जब एक्स का मान जीरो तो बाई का मान जीरो, तो पहला पॉइंट यहां पर आएगा नहीं, एक्स का मान वन तो बाई का मान वन, तो एक्स का वन 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 के सामने ये पॉइंट आएगा। एक्स का मान टू बाई का मान टू टू के सामने ये पॉइंट होगा, थ्री थ्री के सामने ये पॉइंट होने वाला थ्री थ्री है ना। इसको ऐसे मिला, एक तो ग्राफ ऐसे सीधा चल गया, ये ग्राफ क्या देगा सीधा चला गया। अब एक्स का मान माइनस वन तो बाई का मान वन, तो माइनस वन माइनस वन ये हो जाएगा। एक्स का मान माइनस टू तो बाई का मान फोर, ये माइनस टू तो एक दो तीन चार इसके सामने है ना ये पॉइंट हो जाएगा। एक्स का मान माइनस तीन तो बाई का मान नो, तो माइनस तीन ये हुआ ना हुआ, अगर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और क्या हुआ नो, यानी ये पॉइंट आएगा। यानी इसका ग्राफ जो रहेगा इस तरह से रहेगा, इसका ग्राफ क्या हुआ इस तरह से रहेगा, कोई दिक्कत है। तो एक ग्राफ ऐसे एक ग्राफ ऐसे, कहीं पर गैपिंग है, कहीं पर जीरो जीरो भी आएगा नहीं आ रहा है, तो कहीं पर गैपिंग क्या है नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हुआ कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या हो गया ऑलवेज कंटिन्यूअस, सभी पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो आपने इस जनरल मेथड से भी समझ में आ गया, एलएचएल आरएचएल निकाल कर भी कंटिन्यूअस है, और इस पर भी ग्राफ विधि से भी क्या समझ गए कि ये क्या है कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत है नहीं, तो दोनों तरीका से समझ गए कि ग्राफ से भी सम बनाइए और जनरल मेथड से भी बनाइए। चलिए नोट करना है जिसको नोट कर लीजिए।